डिस्कस एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स और बेसिकली मैं इसमें डिस्कस करूंगा एपिस्टेसिस के बारे में। एपिस्टेसिस क्या है, कैसे उसका रेशियो निकालते हैं, कैसे पता करते हैं कि कौन सा एपिस्टेसिस है। ये जनरली इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक में माना जाता है, लेकिन आज की क्लास के बाद से आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि उसको डिफ़िकल्टी होती है एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स में। जैसे एपिस्टेसिस का हम लोग याद करते हैं ना, वो कि रेशियो क्या होगा, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है ना, वो सारी दिक्कतें एकदम सॉल्व होने वाली हैं। प्रोबेबिलिटी का आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए कि एडिशन रूल क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि वो अच्छा रहेगा आप लोगों को समझने के लिए भी। देखिए, जैसे प्रोबेबिलिटी का जो रूल है उसमें एक जो हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन, जो कि मैं रेगुलर क्लास में पढ़ा चुका हूँ। मल्टीप्लिकेशन में हमें एंड पता करना रहता है कि एंड, और एक होता है एडिशन रूल। ठीक है, ये डबल डी होता है एक सिंगल डी होता है? अच्छा, एडिशन रूल, और इसमें हम आइदर और पता करते हैं, आइदर और पता करते हैं। ठीक है, तो जहाँ एंड आपको लगेगा कि यहाँ एंड कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं आपको पता ढूंढना होता है, तो लिखा होता है तो भी वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और आइदर और दिया रहेगा तो वहाँ पे आप क्या कर देंगे, एडिशन। इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे कि राम एंड श्याम, यानी कि राम की आने की प्रोबेबिलिटी एंड श्याम की आने की प्रोबेबिलिटी, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। आइदर राम आर श्याम, यानी कि राम की आने की प्रोबेबिलिटी और श्याम की आने की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, आइदर और में ऐड किया जाता है। इतना बस क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको पता होगा, पहले से पता होगा, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो चलिए देखिए, एक काम करता हूँ, मैं एक क्रोमोसोम मान लीजिए मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक क्रोमोसोम ड्रॉ किया, ये देखिए, और इसी के जैसा एक और क्रोमोसोम ड्रॉ कर दिया, यहाँ देखिए, समझाना है हमको। और ये क्लासरूम लेक्चर है इसलिए इसमें टाइम तो लगना है, पक्का टाइम लगना है। तो अगर आपके पास टाइम है तभी देखिएगा, नहीं टाइम है तो शॉर्टकट वाले बहुत वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद से ना आपको शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ेगी ना लॉन्ग कट की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, तो ये क्रोमोजोम है, और सपोज कि ये होमोलॉगस क्रोमोजोम है, होमोलॉगस क्रोमोजोम। ठीक है, और हमको ये भी पता चल रहा है कि ये है सेंट्रोमियर और ये क्रोमेटिड है। और हमें क्या पता है, हमें ये अच्छे से पता है कि इसमें होते हैं क्या, डीएनए। ठीक है, ये देखिए, ये है डीएनए। क्रोमोसोम क्या है, हाईली कंडेंस्ड मटेरियल ही तो है, और इसमें एक लोकस है। तो चलो भाई, ये देखो लोकस, ये लोकस रहा, और इस लोकस पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कैपिटल टी है और यहाँ पे स्मॉल टी है। तो अगर ये जो टी जीन है ये टॉल बता रहा है, यानी कि जो स्मॉल टी होगा वो ड्वार्फ बताएगा, ये हम लोगों को पता है अच्छे से। अच्छा, अगर यहाँ पे यहाँ का जीनोटाइप देखो, यहाँ का अगर जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका मतलब कि यहाँ पे टॉल ही होगा, ड्वार्फ नहीं हो सकता। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा, लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक जो लोकस है उसका जो उस लोकस पे जो जीन है उसके दो डिफरेंट एलील हैं, और यहाँ पे इस एलील का इस एलील से इंटरैक्शन हो रहा है।
ठीक है ना। यानी एक लोकस पे एक जीन, एक लोकस पे एक ही जीन होता है। अब आप, अगर आप और डीप में जाएंगे कि सर वो कभी कभी जीन ओवरलैपिंग होती है उसका क्या, तो वो बाद की चीज़ें हैं, अभी हम कॉम्प्लेक्स क्यों करने जाएं, आराम से पढ़ते हैं, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन हुआ, ठीक है, और बहुमत इसने साबित किया कैपिटल टी ने, इसलिए यहाँ पे हो गया ये टॉल, हो गया टॉल। यानी कि यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये एलिलिक इंटरैक्शन है, एलिलिक इंटरैक्शन, एलिलिक इंटरैक्शन, समझे कि नहीं। यहाँ पे हम कहेंगे कि ये एलिलिक इंटरैक्शन है जो कि मेंडल ने बताया था, सर ग्रेगर जॉन मेंडल, बीएससी किया फिजिक्स से, बन गए पुजारी, मटर की खेती किया, उसमें मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसीलिए बहुत दिनों तक उनकी बात को सुना ही नहीं गया। उन्होंने जो पेपर पब्लिश किया था उसको रख दिया गया, क्योंकि उसमें जो नेचुरल सिलेक्शन थियोरी आई थी ना डार्विन की, उसी पे ध्यान दिया जा रहा था। भाई कौन सुनेगा ऐसे आदमी की बात जो कि बीएससी किया है फिजिक्स से, चर्च में पादरी हैं, पुजारी हैं, मटर की खेती कर रहे हैं, बायोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट करके उसमें मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सुनना चाहेगा। लेकिन सुना गया, फिर बाद में हुआ रीडिस्कवरी, वैसे ही रिजल्ट्स आने लगे तो फिर से उनके पेपर को उठा के पढ़ा गया, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एलिलिक इंटरैक्शन समझ में आ गया कि नहीं, किसी को दिक्कत है एलिलिक इंटरैक्शन समझने में, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब एक काम करता हूँ, मैं एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, कोई भी काम कर रहे होंगे छोड़ दीजिएगा उसको। ये देखिए, इस डायग्राम से तो आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, हाँ जी साक्षी, कौन सा डायग्राम है ये, बोलो साक्षी, नहीं पता है साक्षी को, ठीक है। चलिए और फिर थोड़ा सा और, ठीक है, और यहाँ पे हम डायग्राम दिखा दे, आई एम वेरी पुअर एट मेकिंग डायग्राम, अगर आपको ये डरावनी लगे तो प्लीज़ फॉरगिव मी। इसको चश्मा पहना देंगे तो नहीं, मुस्कुराने से हर कोई ठीक लगने लगता है कि नहीं। चलिए तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम इनके हेयर्स ग्रो करा दिए, ये देखिएगा, प्लीज फीमेल्स फॉरगिव मी, देख रहे हैं आप लोग ऐसा डायग्राम अच्छा नहीं बन पाया, खैर कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, बहुत बुरा डायग्राम बन गया है कोई बात नहीं, चलिए। तो ये है मिस डॉली, ये है मिस डॉली, आप लोग जानते होंगे हमारी मिस डॉली को, बाइक अच्छे से मैं लेके चला रहा हूँ। और हाँ एक बात और मैं बता दूँ कि इनका, मिस डॉली का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, अगर इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता पाई जाती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, ठीक है ना।
तो अगर आप में से किसी का नाम डॉली हो या किसी के प्रियजन का नाम डॉली हो तो डोंट गेट अफेंडेड, पहले से ही मैं सॉरी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, अब डॉली से, डॉली के हेयर्स की बात करते हैं। ये देखो, ठीक है, हमने क्या किया, देखिए अगर जीन इंटरेक्शन आपको समझना है और ऐसे समझना है कि फिर ज़िंदगी में आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े, मतलब रिवाइज तो करना पड़ेगा ना एक बार, लेकिन समझने के लिए मेहनत ना करना पड़े, तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये हैं हेयर्स मिस डॉली के। अब इनके हेयर्स की क्वालिटी ये है कि ये ब्लैक हैं, ठीक है। हो सकता है कि मिस डॉली के हेयर जो हैं वो कहाँ गए, सोचो कि ब्राउन हो गए, या ठीक है, या मिस डॉली के हेयर जो हैं, मैं इनको और यहाँ पे लेके चला आता हूँ, ठीक है, और इनको कलर कर दिया, सोचिए कि वाइट हो गए, दिखाई दे रहे हैं ना। अब यहाँ पे इनके हेयर्स ब्लैक हैं, देखिएगा ब्लैक, ब्राउन, और ये हो गया वाइट, ठीक है भाई, कोई भी तो हो सकता है ना, मतलब हेयर्स के कलर ऐसे ही पाए जाते हैं ना, कुछ लोग तो हरा, लाल, नीला, पीला, तरह तरह के रंगवाते हैं, कुछ का तो एक, कुछ लोगों के एक ही सर में वो आधा लाल होता है, आधा पीला होता है, और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जिनके आधे सर में बाल ही नहीं होते हैं, हाँ। सो ठीक है, तो ये देखिए कि हेयर जो है ब्लैक, ब्राउन या वाइट कोई भी हो सकता है, या ये देखो गोल्डन हम कह सकते हैं इसको, गोल्डन कलर भी लोग करवाते हैं, ठीक है। अब ये हेयर कलर कैसे डिसाइड हुआ होगा डॉली में, बताओ डॉली, हाँ कैसे डिसाइड हुआ होगा हेयर कलर। ओके, तो जैसे मान लीजिए आपका कोई घर है, ठीक है, अब ये घर का कलर कैसे डिसाइड होता है, जैसे मान लीजिए हम बना देते हैं, देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए हमने बना दिया ये देखिए, ये बहुत बढ़िया सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस मॉल ने किया कमाल। तो ये देखिए हम बस आपको हेयर्स बना दिए, हेयर फॉलिकल्स हैं। अब इस हेयर का कलर हमको डिसाइड करना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हेयर के कलर कई तरह के हो सकते हैं। उससे पहले मैं इस हेयर को थोड़ा तीन पार्ट में मतलब दिखा देता हूँ कि एक ये है और एक ये है। चलिए आई नो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल होगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए तो ये मान लीजिए वाइट कलर हो गया, और ये हम कर देते हैं गोल्डन कलर, ठीक है, और सॉरी गोल्डन नहीं, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, और पेंट कर देते हैं, मतलब हेयर्स को मान लिया पेंट करना है, तो इसको हमने कर दिया ये देखिए गोल्डन कलर के हो गए, ठीक है, और एक कलर हमने बनाया था ब्लैक, तो ये देखिए पूरा बढ़िया सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस मॉल ने किया कमाल, ये देखिए ब्लैक हो गए, बहुत बढ़िया, और ये वाइट, ठीक है। अगर ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, हेयर्स नहीं है, मान लो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन लकड़ी रखी हुई है, लड़की नहीं लकड़ी, ठीक है, उल्ट, तो एक को वाइट, ये नेचुरली वाइट है, सब सोचो कि ये नेचुरली वाइट है, किसी को ब्राउन पेंट करना है, किसी को ब्लैक पेंट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत, तो आपके पास क्या होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपके पास क्या होना चाहिए, देखिएगा ध्यान से। देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, पहले तो मैं इसको इतना मिटा देता हूँ,
आई नो कि आई एम टेकिंग टू मच टाइम, लेकिन इसको ऐसे ही समझेंगे आप, ठीक है। और ये हमने ले लिया, कोई पॉट ले लिया है छोटा सा, ठीक है। एक, चलो नीचे आ जाओ, तुम भी नीचे आ जाओ, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम ठीक है, यहाँ देखिए। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें कंडीशन ये है, हमने इसमें पेंट रख लिया है, ये देखिए, ये पूरा पेंट है जो कि हमने, वो जो होता है ना, आता है ऐड आता है कि काटो घोलो और लगा लो, तो वैसे ही वाला सोचिए कि पेंट है ये, ठीक है। इससे अगर पेंट करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, और देखिएगा अगर इससे पेंट करेंगे, देखिए अगर हमने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और अगर हम इससे पेंट करते हैं तो ऐसे दिखाई देगा। ये क्या है, ये बिना पेंट किए नेचुरली है ये, ठीक है। अब सोचो ज़रा कि अगर आप डिब्बे में पेंट रख लिए और बगल में हेयर्स फॉलिकल रख लिए या कोई वुड है रख लिए, तो ये पेंट हो जाएगा। क्या चाहिए, ब्रश चाहिए ना, किससे पेंट करेंगे आप, ठीक है, चाहिए कि नहीं ब्रश, प्रेरणा सही है। तो चलिए देखते हैं, अब एक ब्रश लेके आते हैं, ठीक है। तो ब्रश की भी बात करना ही पड़ेगा, ब्रश को हम कैसे मिस कर सकते हैं। तो चलिए एक ब्रश लेके आते हैं, और ये देखिए, ये रहा ब्रश, ठीक है। और यहाँ पे हमने कितना बढ़िया ब्रश बना दिया, इसी से पेंट किया जाएगा, ठीक है। और ये ब्रश जो है ना, कौन से कंपनी का ले लें, बजाब का ले लेते हैं, जैसे आता है ना बजाब का, और कौन का, बजाज लिख दिया क्या मैं, अरे नहीं नहीं बजाब का, ठीक है ना। जैसे रिबाक आता है, और भी बहुत सारे कंपनियां, कौन कौन से थे, प्यूमा आता है, पूमा लिखा रहता है, अलग अलग कंपनियां हैं। तो वुडलैंड का फूडलैंड आता है, फूडलैंड लिखा रहता है, वो हम लोग पढ़ नहीं पाते, फॉन्ट वैसे ही लगा रहता है। तो बजाब का एक ब्रश ले लिया, ठीक है। चलो बहुत हमने कहानी समझा दी आपको। ये जो ब्रश है, ठीक है, सपोज कि हमारे पास, अब देखो ये कलर करना है ना हेयर्स को, ठीक है, हेयर्स को कलर करना है, तो हेयर्स को कलर करने के लिए ब्रश भी चाहिए और पेंट भी चाहिए, तभी ना कलर होगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं कि नहीं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये ब्लैक कलर है, ये हाँ ये भी कलर है और ये भी कलर है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अब हम लेते हैं एक सेल, मतलब जिस सेल में ये हैं, ठीक है, ये देखिए ये ले लिया एक सेल, और इस सेल में यहाँ पे सोचिए कि हम ड्रॉ कर देते हैं क्रोमोसोम को, ठीक। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्रोमोसोम को ड्रॉ कर दिए, ये रहा एक क्रोमोसोम और इसी का होमोलॉग ये, ठीक है, और इसके दो लोकस हैं, देखिएगा ध्यान से, इसके दो लोकस हैं, एक लोकस ये है और एक लोकस ये है, ये है दूसरा लोकस, यानी दो जीन की बात हुई ना। अच्छा ये दोनों जीन हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये है, मैं बताना क्या चाहता हूँ, ये ध्यान से सुनना, कि यहाँ पे दिखाया है दो लोकस, देखो यहाँ पे, यानी एक होगा जीन वन के लिए और दूसरा होगा जीन टू के लिए, यानी दो जीन के लिए होगा। सपोज कि ये जो जीन है ये कलर के लिए है, और ये जो जीन है ये ब्रश के लिए है,
ठीक है, ब्रश बन के ही क्या करेगा अगर कलर नहीं बनता है तो, और कलर बन के ही क्या करेगा अगर ब्रश नहीं बनता है तो, यानी कि यहाँ पे कलर और ब्रश दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। यानी कि अगर हेयर को कोई कलर करना है तो ब्रश भी चाहिए और कलर भी चाहिए, यानी कि यहाँ पे कलर और ब्रश का इंटरेक्शन ज़रूरी है। तो अगर कलर और ब्रश का इंटरेक्शन ज़रूरी है, यानी कि ये जो दो जीन्स से बने हुए हैं, इन दोनों जीन्स का इंटरेक्शन भी ज़रूरी है कि नहीं, बताइए ज़रा, है ना। यानी कि अगर ये हम पढ़ने जा रहे हैं इस तरह की चीज़ें, तो इसको हम बोल देंगे जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन, ध्यान से सुनिएगा, ये जीन इंटरेक्शन है। और उसके ऊपर हमने क्या देखा था, एलेलिक इंटरेक्शन, समझे ना। एलिलिक इंटरेक्शन जो होता है वो सेम लोकस पे होता है, और जीन इंटरेक्शन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकस पे हो सकता है। अब ये कैसे इंटरेक्शन, ये जीन इंटरेक्शन कैसे होगा वो मैं अभी थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पहले मेरा कंसेप्ट समझ लीजिए अच्छे से। अच्छा, हृदय है भाई, साक्षी ने बताया कि हृदय है। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है, बताइए ज़रा। तो साक्षी, अक्षरा, पवन, नेहा, मनीषा, पूजा, आप लोग को यहाँ तक समझ में आया है? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब जो है अब हम लोग अच्छे से पढ़ने जाए, अब हम लोग को समझ में आएगा। देखिएगा, यहाँ पे जो जीन है, ठीक, यहाँ पे जो जीन है, तो कलर के लिए मान लीजिए कि हम ले लेते हैं ब्लैक कलर, ठीक है, या मतलब यहाँ पे एक बी जीन ले लेते हैं, बी, ओके, बी जीन है, ठीक है, बी जीन है, और यहाँ पे ले लेते हैं एच जीन ब्रश के लिए, ठीक है ना, ब्रश के लिए। तो चलिए अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा, अगर कैपिटल बी है तो ये ब्लैक कलर का पेंट बनाएगा, या कैपिटल बी स्मॉल बी है तभी ये ब्लैक बनाएगा। लेकिन अगर ये स्मॉल बी है तो ये ब्राउन बनाएगा, समझे आप लोग। यानी कि अगर एलिलिक इंटरेक्शन देखा जाए यहाँ पे, तो ब्लैक और ब्राउन का एलिलिक इंटरेक्शन है ना। अच्छा, अगर कैपिटल एच और कैपिटल एच है तो यहाँ पे ब्रश बनेगा, और अगर कैपिटल एच स्मॉल एच है तब भी यहाँ पे ब्रश बनेगा बजा आपका। और अगर स्मॉल एच, देखिए स्मॉल एच है तो यहाँ पे नो ब्रश, ब्रश नहीं बनेगा। इतना तो क्लियर हो गया, बोलिए, इतना क्लियर हो गया कि नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ध्यान से सुनिएगा कि अब हम लेके आते हैं हेयर को। देखिए ये है हेयर, यहाँ पे लेके आए, चलिए यहाँ पे लेके आ गए। अब कंडीशंस मिलाते हैं, देखिए, तो ध्यान से देखिए, पहले कंडीशंस देखिए। देखिएगा यहाँ पे, अगर कैपिटल बी डैश होगा तो यहाँ पे कौन सा कलर होगा, हेयर का कलर क्या हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ब्रश भी बनना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, अगर स्मॉल बी होगा और यहाँ पे कैपिटल एच है तो कौन सा कलर होगा, ब्राउन होना चाहिए। वाह, वेरी गुड, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अगर कैपिटल बी डैश कुछ भी हो और यहाँ पे स्मॉल एच हो जाए तो क्या बनेगा, क्योंकि ब्रश ही नहीं बना ना, क्योंकि याद रखिएगा ये जीनोटाइप भूलिएगा नहीं, थोड़ा सा और साफ लिख दूँ, ब्रश ही नहीं बना। तो जब ब्रश ही नहीं बना तो ये नेचुरली तो व्हाइट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाइट हो गया कि नहीं। अच्छा, मान लीजिए स्मॉल बी है और स्मॉल एच, तो क्या बनेगा, कौन सा कलर होगा, हेयर का कलर क्या होगा, ब्राउन होगा ना। हाँ, इसलिए ब्रश किया करिए आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा वाइट,
समझे कि नहीं, कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे समझने की बात क्या है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे ब्लैक कलर बना है और ब्रश भी बना है, यानी कि हेयर का कलर क्या हो गया? यहाँ पे ब्राउन कलर बना है और ब्रश बना है, हेयर का कलर क्या हो गया? यहाँ पे ब्लैक कलर बना है लेकिन ब्रश नहीं बना, कौन सा कलर? और यहाँ पे ब्राउन कलर बना है लेकिन ब्रश नहीं बना, कौन सा कलर? वाइट। यानी कि देखिएगा यहाँ पे, यानी कि ये जो बी जीन है ना, फिर से मैं यहाँ देखने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इस लोकस पे, देखिए इस लोकस पे ये जो बी जीन है, यहाँ देखिएगा ये बी जीन कुछ नहीं कर सकता अगर यहाँ पे स्मॉल एच हो जाएगा तो। ये रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास, कहे भैया हम बन के भी क्या करेंगे, रोएगा बस, क्या करेगा बेचारा, कहे हम ब्राउन बना दें चाहे ब्लैक बना दें, हम क्या करेंगे जब तुम ही नहीं बने तो, ठीक है ना? यानी कि इसको फ़ोन लगाया गया, अरे यार क्या हो गया तुमको, हाँ, यानी कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा कि नहीं? अच्छा, इंटरेक्शन है तभी तो कोई कलर आ रहा है, इसको बोलते हैं नोवेल फिनोटाइप, ठीक है ना, इसको बोलते हैं नोवेल फिनोटाइप। हमेशा हम लोग क्या पढ़ते थे, या तो टॉल होगा नहीं तो ड्वार्फ होगा, राउंड होगा रिंकल्ड होगा, लेकिन यहाँ पे तीन फिनोटाइप दिख गए, ब्लैक भी दिख गया, ब्राउन भी दिख गया और वाइट भी दिख गया। तो जहाँ भी नोवेल फिनोटाइप आते हैं ना, वहाँ पे जीन इंटरेक्शन होता है। अच्छा, जीन इंटरेक्शन में ऐसा नहीं है कि ये जीन का प्रोडक्ट आके इसको कह गए तुम ट्रांसक्रिप्शन हो जाओ और प्रोटीन बना लो, नहीं, इन दोनों जीन के प्रोडक्ट आपस में इंटरैक्ट करते हैं, समझे कि नहीं? इस जीन का प्रोडक्ट बनेगा और इस जीन का प्रोडक्ट बनेगा, तब जाके ये दोनों एक साथ हेयर के कलर को ब्लैक या ब्राउन कर पाएंगे। यानी यहाँ पे दो लोकस में इंटरैक्शन हो रहा है कि नहीं, यानी दो जीन में इंटरैक्शन हो रहा है कि नहीं, ठीक है, समझिएगा जरा, यही मेन है, यही समझना है, ओके। देखिए यहाँ पे इसको हम बोलेंगे जीन इंटरैक्शन, इसको हम बोलेंगे जीन इंटरैक्शन, ठीक, इसको हम बोलेंगे जीन इंटरैक्शन, क्यों? क्योंकि दो जीन के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, ठीक है, इस बात को समझे ना, हम आपको ऐसे बताना चाहते हैं कि जैसे आपने कभी भी नहीं पढ़ा हो तब भी आपको समझ में आ जाए। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे, अगर स्मॉल एच हो गया तो ये कैपिटल बी या स्मॉल बी कुछ कर पाएंगे? नहीं ना, यानी कि यहाँ पे कौन सा जीन भारी पड़ रहा है, एच वाला जीन भारी पड़ रहा है कि बी वाला जीन भारी पड़ रहा है? एच वाला ना, बोलिए जरा, यानी कि अगर स्मॉल एच हो गया तो कैपिटल बी या स्मॉल बी कुछ नहीं कर सकते, समझे कि नहीं? यानी कि देखिए, अब यहीं पे कंसेप्ट आता है ईपिस्टैटिसिस का, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात जेनेटिक्स में रटे तो क्या करिए, कुछ नहीं कर पाए। ईपिस्टैटिसिस का मतलब होता है कि एक जीन दूसरे जीन को के ईपिस्टैटिक हो गया, का मतलब हो गया कि उसको वो सप्रेस कर दिया, और जो सप्रेस हो गया उसको कहा जाता है हाइपोस्टैटिक। यानी ये जो एच जीन है वो बी जीन के ईपिस्टैटिक है। यहाँ पे ईपिस्टैटिक कौन सा जीन है, एच है कि बी है? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, बी बन के भी कुछ नहीं कर सकते, बी का ट्रांसक्रिप्शन हो के भी कुछ नहीं कर सकता अगर स्मॉल एच है तो, ठीक है ना? लेकिन अगर एक बार स्मॉल एच हो गया तो ये कैपिटल बी हो या स्मॉल बी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हेयर का कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, वो कलर बन के भी डब्बे में पड़ा रहेगा, मतलब सेल्फ से अंदर कहीं पड़ा रहेगा वेसिकल्स में, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। यानी ईपिस्टैटिक यहाँ पे कौन है? एच है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एच ईपिस्टैटिक है ये डोमिनेंट होके है कि रिसेसिव होके है? देखिएगा यहाँ पे एक होता है ईपिस्टैटिक जीन,
तो यहाँ पे ईपी स्टैटिक जीन कौन सा है, बी है कि एच है? ये है, यही है ना, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम हो गई ना तो बी वाले कुछ नहीं कर सकते। यानी कि समझिएगा कि ईपी स्टैटिक जीन ये हो गया, और हाइपोस्टैटिक जीन कौन होगा? हाइपोस्टैटिक जीन, बस इतना पहले समझ लीजिएगा, हाइपोस्टैटिक जीन हो जाएगा बी, एच नहीं होगा, ये बी हो जाएगा। ओके अच्छा, अब देखिए एकदम एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे महंगा स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ इस क्लास का। ये तो पता चल गया कि यहाँ पे ईपी स्टैसिस है, देखिएगा ये तो पता चल गया कि यहाँ पे ईपी स्टैसिस है, ओके। लेकिन जो जीन ईपी स्टैसिस शो कर रही है वो जीन डोमिनेंट होके ईपी स्टैसिस शो कर रही है कि रिसेसिव होके? तो यहाँ पे कौन सा ईपी स्टैसिस हो जाएगा? रिसेसिव ईपी स्टैसिस, खत्म। देखिए यहाँ पे जो जीन है, जो एच जीन है, ये डोमिनेंट होके ईपी स्टैसिस शो कर रहा है कि रिसेसिव होके? अगर ये डोमिनेंट होगा तो बी वाले अपना काम करेंगे, यानी कि ये रिसेसिव होने के वजह से सप्रेस कर दे रहा है बी के कैरेक्टर को, बी के फिनोटाइप को, इसलिए इसको यहाँ पे क्या कहा जाएगा? रिसेसिव एपिस्टेसिस। पहले ये जानिए कि पहचाना कैसे जाता है कि कौन सा एपिस्टेसिस है, यानी कि आप लोग यहाँ ये वाला पहचान लेंगे कि नहीं। आपको ये देखना होगा कि नॉर्मल फिनोटाइप क्या होता है और कौन सा जीन इपिस्टैटिक है और किसके वजह से है, डोमिनेंट होने की वजह से है कि रिसेसिव होने की वजह से है। तो अगर डोमिनेंट होने की वजह से है इपिस्टैटिक, अभी हम वो भी दिखाएंगे, तो डोमिनेंट इपिस्टैसिस हो जाएगा, यहाँ पे किसके वजह से है? रिसेसिव होने की वजह से, समझे कि नहीं। अब रेशियो क्या था, रेशियो निकालना तो चुटकी में रेशियो निकलेगा अगर प्रोबेबिलिटी आती है तो, मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को, टाइम ही नहीं लगेगा, समझ रहे हो, टाइम ही नहीं लगेगा ये रेशियो निकालने में। आपको बस ये पता करना है कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब इधर बताइए भाई, आप लोगों को समझ में आया? कौन कौन है, पूजा और मनीषा, बेल आइकन प्रेस करो। हाँ पूजा, समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। कैसे निकालते हैं एपिस्टेसिस, ये निकाल लोगे आप? यस सर। बहुत आसान है जी, ये डॉली को पहचाने रहना। यस सर। ये मेरी फेवरेट है बचपन से ही, ठीक है ना, बहुत काम आई है मेरे, तो ध्यान रखना। और कैसे हमने बताया कि कौन सा एपिस्टेसिस है, मनीषा? यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर। अरे कभी नो सर भी बोला करो, नहीं समझ में आए तो, जबरदस्ती नहीं है। नहीं सर, समझ में आया। वाह, समझ में आ गया। इसके पहले पढ़ी हो ये? सर पढ़े थे लेकिन उस समय कंसेप्ट क्लियर नहीं था, लेकिन अभी सर अच्छे से क्लियर हो गया। तब रटे थे? हाँ यस सर, ट्वेल्थ में मतलब अच्छे से समझ में नहीं आया। मनीष, पूजा? यस सर। ये पढ़ा है पहले? ये सर पहले पढ़ा है, लेकिन सर इतने अच्छे से नहीं पढ़ा। नहीं नहीं, जबरदस्ती मेरी तारीफ नहीं करनी है, हम नहीं नहीं सर, इस तरह से नहीं पढ़ा जिस तरह से पढ़ा। ठीक है चलो, हाँ तो जबरदस्ती नहीं तारीफ करना है, ये ध्यान दो कि नहीं, बिल्कुल आपको क्या करना है ना, दो जीन के बीच यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो दो जीन के बीच का इंटरेक्शन की कैसे निकालते हैं ये हमको देखना है, ठीक है बेटा? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है, अब मैं आपको दिखाता हूँ रेशियो निकालना कि कैसे रेशियो निकालेंगे। साक्षी और पवन, बेल आइकन प्रेस करिए। आप लोगों को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं किसी को भी। मनीषा फिर से रीज्वाइन कर लो। साक्षी और पवन बेल आइकन प्रेस करिए, पूछ लें आप लोगों से। गुड मॉर्निंग पवन जी। सर समझ में सर। नमस्ते नमस्ते, समझ में आया जी सर? पहली क्लास है आज जी सर, तो समझ में आया कि नहीं अच्छे से, पहले ये बताओ जी सर। बिल्कुल आ गया।
चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आना चाहिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो जितनी बार पूछना होगा पूछ लेना। अपने बहुत जी सर। आसान हो जाएगा, देखना होगा आपको सिर्फ इतना देखना होगा कि कौन से जीन का इंटरेक्शन किससे है, कौन सा इपिस्टैटिक है और कौन सा हाइपोस्टैटिक है, ठीक है। और वो जो जी सर। इपिस्टैटिक है वो डोमिनेंट होने की वजह से है कि रिसेसिव होने की वजह से है, फिर आराम से निकल जाएगा, है कि नहीं। जी सर। चलो कोई शिकायत? नहीं सर। ठीक लग रहा है क्लास में? जी सर। चल बस, यस सर, नो सर, जी सर, साक्षी। चल अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। देखिए मैं थोड़ा सा इसलिए रुका हुआ हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। गुड मॉर्निंग साक्षी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। गुड थे? नहीं पहले पढ़ा है आपसे ना, तो ये तो नहीं भूलता, ये अच्छे से आता है। क्या बात है, मेरी सारी बातें याद रहती हैं। हाँ एक मतलब सारी बातें मतलब जो आप बोलते हैं वो तो सारी याद रहती हैं, पढ़ाई को थोड़ा बहुत छोड़ के। पढ़ाई पढ़ाई और जो डांटे वाटे हैं वो सब? सब एक एक पॉइंट याद है। अच्छा चलो ठीक है, एक एक पॉइंट याद रहेगा तो बहुत काम देगा वो, ठीक है ना सर? ठीक है। चल अब रेशियो इसका निकालना है, निकाल लेंगे हम लोग। हाँ सर बिल्कुल, मेहनत करो, जारफ निकलेगा इस बार। हाँ सर लगे हुए हैं। लगे रहिए, वेरी गुड। चलिए तो अब ना इस अब क्या करना है ना कि रेशियो निकालना है इसका, ठीक है। अब रेशियो निकालना बहुत आसान है, आप लोगों से क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन में निकालना होता है रेशियो, कैसे कैसे निकालेंगे वो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे निकालेंगे देखिए, रेशियो जैसे आपसे कहा ये जाएगा ना, सुन लीजिए, आपसे ये कहा जाएगा कि एक क्रॉस डिज़ाइन किया गया है, मतलब भाषा उसकी इंग्लिश वाली, अमेरिकन या इंग्लैंडियन कुछ भी हो, आपको समझना, आपको क्या ढूंढना होता है ना क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूँ। आपसे कहा जाएगा कि एक क्रॉस डिज़ाइन किया गया जिसमें प्योर लाइन, हाँ प्योर लाइन ब्लैक कलर को प्योर लाइन, हाँ क्या कहा जाएगा उसको, एक सेकेंड, ब्राउन या वाइट ऐसे ही कुछ कह सकते हैं, ब्राउन वाइट, वाइट कह सकते हैं उसको, ठीक है। या जीनो टाइप दिया रहेगा, जैसे दी जीनो टाइप दिया रहेगा, F1 का P1 का दिया रहेगा, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एच कैपिटल दे दिया। इसके बाद से यहाँ दिया रहेगा स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एच, इसका कलर क्या होगा? वाइट, तो ब्लैक, और ये क्या हो गया? वाइट। एफ क्रॉस कराते हैं F1 में तो ये मिल जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल एच, और कलर क्या हो गया? ब्लैक ही हो गया ना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखना है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा डाइहाइब्रिड क्रॉस के जैसे ही जा रहा है, कोई चेंज नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स में जीनोटिपिक रेशियो सेम रहता है, फिनोटिपिक रेशियो में चेंज आता है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसकी हम सेल्फिंग कराते हैं, देखो यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एच स्मॉल एच का क्रॉस करा देते हैं हम कैपिटल बी कैपिटल एच स्मॉल एच, ठीक है जी। अब क्या हम चेकर बोर्ड बनाएं, हम लोगों को पता ही है कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है ना। पहले हम क्या करते, देखो एक हम लिख सकते हैं कैपिटल बी डैश, ये से लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल एच डैश, इसका कलर क्या होगा? इसका कलर होगा ब्लैक, होगा कि नहीं, ये तो हम लोग पहले से पता कर चुके हैं। बोलो प्रेरणा, खुशी, अर्पिता, ठीक है। अच्छा एक देखो ये, इसका कलर क्या होगा भाई? वाइट होगा, बहुत अच्छा। अच्छा ये देखो, तो इसका कलर क्या होगा? ब्राउन होगा। यही तीन जीन इसी तरह के मिलते हैं ना, अगर आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा भी अंदाज़ा है तो। या तो आप चेकर बोर्ड बनाओ पूरा, उतना टाइम कहाँ है। और ये देखो स्मॉल बी और स्मॉल एच, अगर ये चीज़ें किसी को पढ़नी है तो वो कोर्स खरीद लें हमारा, जिसमें जेनेटिक्स का हमने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, और इसका क्या होगा कलर?
वाइट, क्यों वाइट हुआ भाई श्रद्धा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे किल्विस है, ठीक है ना, स्मॉल एच है तो वाइट होना ही होना है, ये तो पता है हम लोगों को। अच्छा अब देखो यहाँ पे ध्यान से, देखना ध्यान से, बी एंड एच है कि नहीं, यहाँ पे बी एंड एच है कि नहीं, एंड आया ना, मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये देखो यहाँ पे, ये आपको समझाने के लिए, यहाँ पे देखो ए भी हेट हो जाएगा से और ए भी हेट हो जाएगा से, अगर क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल बी आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी कैपिटल बी आएगा, और एक स्मॉल बी आएगा कि नहीं, यानी कि इसको हम सीधे कैपिटल बी डैश लिख सकते हैं, बोलिए तो, और इसका रेशियो हम 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पे स्मॉल बी का रेशियो हम 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं। वैसे ही देखो यहाँ पे कैपिटल बी डैश लिखा ना यहाँ पे, यानी कि इसका रेशियो 3/4 लिख सकते हैं, एंड इसके साथ देखो यहाँ पे कैपिटल एच डैश है ना, तो सेम ये भी हेट हो जाएगा, ये भी हेट हो जाएगा है कि नहीं, बोलिए, इस यानी कि एंड एच है तो इसको भी 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी बताए, नहीं लिख कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 × 3 इज इक्वल टू 9/16। अच्छा ये देखिए यहाँ पे भी बी कैपिटल बी डैश है ना, यानी यहाँ पे भी 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1/4, क्योंकि अगर हम फिर से देखिएगा ध्यान से, अगर इसमें और इसमें हम क्रॉस कराए रहेंगे तो यहाँ पे स्मॉल एच आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, तो ये हो गया 1/4 इज इक्वल टू 3/16, वेरी गुड, हो गया कि नहीं। अच्छा ये देखिए तो यहाँ पे स्मॉल बी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3/16, और इसको देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1/4 यानी कि ये कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देख रहे हैं आप लोग, जो डाइहाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ते हैं उसमें रेशियो 9:3:3:1 ही आता है ना, ये भी वही आया है, जीनोटाइप रेशियो में भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो जगह वाइट दिख रहा है, देख रहे हैं आप लोग, बोलिए तो कितनी जगह दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है वाइट। अब एक बात बताइए, आइदर ये भी वाइट बता रहा है और ये भी वाइट बता रहा है कि नहीं, आइदर ये जीनोटाइप ले लें और ये जीनोटाइप ले लें, दोनों का मतलब क्या हुआ, वाइट हुआ, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आइदर ये और ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/16, यानी कि देखिए हमारे पास मिला है एक ब्लैक कलर मिला है, ब्लैक कलर, उसके बाद हमें मिला है क्या, वाइट कलर, उसके बाद हमें क्या मिला है, ब्राउन, तीन मैंने यही मिले हैं ना, ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी 9 हो गई है, अब वाइट के लिए दो मिले हैं, तो आइदर ये और ये, यानी कि 3/16 प्लस 1/16, ठीक है 16 का लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे LCM, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 और ये दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, और ब्राउन कितना आया है 3, ये देखिए तो, यानी कि इस क्रॉस का रेशियो जो है वो 9:4:3 आया कि नहीं, जोड़ेंगे तो 16 ही होगा, 16 से कम और ज़्यादा नहीं हो सकता, 16 में ही ये डिवाइड होते हैं, चाहे 12:3:1 कर दो, चाहे 9:3:3:1 कर दो, या 9:7 कर दो, या 9:4:3 कर दो, लेकिन 16 बनेंगे, 16 बनते ही हैं, 15:1 भी कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये रेशियो पता चला, लेकिन अगर ये पता करना है कि ये कौन सा एपिस्टेसिस है, तो हम क्या देखेंगे कि जिन इंटरैक्शन में अगर स्मॉल एच हो जा रहा है, इसके वजह से कैपिटल एच या स्मॉल कैपिटल बी या स्मॉल बी कोई भी काम, यानी कि यहाँ पे एक जीन का दूसरे जीन पे
सिस है, कौन से जीन का है? एच जीन का है। ये डोमिनेंट होके है कि रिसेसिव होके है? यानी कि ये रेशियो किसका हो गया? रिसेसिव इपिस्टेसिस का। तो भैया किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो अब हमसे पूछ सकता है। क्या बताइए, रटने की जरूरत है क्या? रटने की जरूरत है? दो जीन के बीच का इंटरैक्शन आपको पता करना है, काम खत्म। कौन सा इंटरैक्शन है, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, ये पता कर लेना है। मतलब वो जीन डोमिनेंट होकर एपिस्टेसिस शो कर रहा है या रिसेसिव होकर एपिस्टेसिस शो कर रहा है, ये हम लोगों को देख लेना है। बस एक बात और, एक जगह और मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है ना, वो भी है, छोटा सा पॉइंट बता दूं। ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं ना, तो ब्लड ग्रुप में मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे भी एक एच जीन होता है जो कि एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है। मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखिए जरा, तो ये देखिए, ये याद है, ये देखिए, ये जो कंडीशन हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे एच जीन है ना, एच जीन के वजह से ये प्रोटीन बनी है, ये आरबीसी है, एच जीन के वजह से ये प्रोटीन बनी है। तो जब तक एच जीन नहीं रहेगा तब तक इस पर कोई भी एंटीजन बाइंड नहीं कर पाएगा। ये पूरा हमने आप लोगों को ड्रॉ करके बताया था, यानी कि देखिएगा, यहीं से मैं बताने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर एच के साथ आई ए और आई ए रहेगा तो ब्लड ग्रुप होगा ए, ठीक है ना। अच्छा, अगर एच के साथ आई ए और आई ओ रहेगा तो होगा ब्लड ग्रुप ए। अगर H के साथ आई ए और आई बी रहेगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। और वही अगर H के साथ आई बी और आई ओ होगा तो B ब्लड ग्रुप, और अगर H के साथ आई बी और आई बी होगा तो B ब्लड ग्रुप, और अगर यही H के साथ अगर आई ओ और आई ओ होगा तो O ब्लड ग्रुप। यानी कि ये जो H कौन सा है, H क्या है, ये H यही प्रोटीन है, देखिएगा ध्यान से, ये H यही प्रोटीन है जिस पे ये कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, डिफरेंट डिफरेंट एंटीजेंस क्या होते हैं, अटैच होते हैं, समझे कि नहीं, ठीक। लेकिन अगर ये H जीन ही ना रहे तो कोई भी एंटीजन बाइंड कर पाएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O। तो देखिए अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये सब तो हमने बताया है आप लोगों को, समझाया है आपको, इसको देख के समझ सकते हैं। फिर भी देखिए यहाँ पे, अगर स्मॉल एच और स्मॉल एच के साथ, चाहे आप आई ए ले लीजिए या आई बी ले लीजिए या आई ए बी ले लीजिए या आई ओ ले लीजिए, सबका ब्लड ग्रुप ओ ही होगा, क्योंकि ये प्रोटीन तो बने ही नहीं। यानी कि यहाँ पे ये जीन भी इपिस्टेटिक शो कर रही है कि नहीं, यानी ब्लड ग्रुप में भी इपिस्टेसिस शो होता है, एच जीन शो करता है, लेकिन यहाँ पे रेशियो आपको 9:4:3 का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मल्टीपल एलिलिज्म का केस है, समझ रहे हैं ना। और स्मॉल एच होने की वजह से अगर ओ ब्लड ग्रुप आता है तो उसको कहा जाता है बॉम्बे फिनोटाइप। कौन सा फिनोटाइप? बॉम्बे, कौन सा बोलो? बॉम्बे फिनोटाइप। नहीं सुने बॉम्बे का नाम? सुने है ना। जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, और इसका एक और है, हाँ यही ब्लड ग्रुप वाला जो केस है, और इसी में एक था, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, समझ सकते हैं इस चीज़ को। देखिए अगर यहाँ देखिए क्या लिखा है, एच डैश लिखा है कि नहीं, ये देखिए क्या लिखा है, एच डैश। अब इसके साथ आई ए है तो ए ब्लड ग्रुप, आई बी है तो ब्लड ग्रुप, और आई ओ या ए बी है दोनों है तो, या कोई भी नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर स्मॉल एच हो गया तो उसके साथ किसी भी तरह का एंटीजन बाइंड कर ही नहीं पाएगा, यानी वो हो जाएगा, देखिए, पीपल विथ बॉम्बे फिनोटाइप आर होमोजाइगस फॉर रिसेसिव म्यूटेंट डेसमल। यानी कि ये जो क्या होगा, डोमिनेंट हो जाएगा आई, सॉरी ये इपिस्टेटिक हो जाएगा किस पे, आई ए पे, आई बी पे या आई ओ या आई ए बी किसी पे भी। ये बात समझ में आई?
बोलिए। तो रिसेसिव इपिस्टेसिस का रेशियो निकालना, ये तो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास ये भी थी, समझ में आया ही होगा आप लोगों को। तो ये देखिएगा, अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, राइट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? एनी वन इन द क्लास, किसी को कुछ पूछना है? आप लोग बताइए, पूजा, मनीषा, नेहा, पवन, अक्षरा, साक्षी, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कुछ पूछना है? एनी वन इन द क्लास, किसी को कुछ पूछना होगा तो वो कमेंट में पूछ सकता है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर सकता है। ऑल गुड, वेरी गुड। हाँ बोलिए, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जितने जीन देखिए, और जिन इंटरेक्शन में इनके प्रोडक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं और भी एग्जांपल्स के बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, मतलब अभी थोड़ी देर में इसके और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ब्लड ग्रुप की क्लास हुई है, आपने देखा नहीं है शायद, ब्लड ग्रुप की क्लास हुई है ना? नहीं हुई है, ठीक है, चलिए। देखिए यहाँ पे यही दिखाया गया है, ये बुक बेंजामिन पियर्स की है, ठीक है। तो ये पूरा क्रॉस, ये इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तब भी हम लोग क्वेश्चन कराएं क्या आप? प्रॉब्लम नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन भाई बहुत इजी होगा, इससे आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे इसका, बाकी किसी को कुछ पूछना होगा तो हमसे पूछ सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।